राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीबीआई के 60 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 6 दशक का सफर सीबीआई का बहुत ही उपलब्धि से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई ने अपने काम से और अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। देवी और सज्जनों, आप सभी को सीबीआई के 60 वर्ष पूरे होने हीरक जयंती के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहाँ सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में जिन जिन ने योगदान दिया है, इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। अभी यहाँ कई साथियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। जिनका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अतीत की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय की, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। आपने जो चिंतन शिविर किया है, इसका उद्देश्य भी अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपडेट करना और इसमें पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य के रास्ते निकालने हैं, निर्धारित करने हैं। ये भी ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने अमृत काल की यात्रा का आरंभ किया है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है चिंतन शिविर एक नए आत्मविश्वास को जन्म देगी। ये चिंतन शिविर नए आयामों तक पहुंचने के रास्ते बनाएगी। ये चिंतन शिविर गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके में आधुनिकता ले आएगी और हम ज्यादा प्रभावी होंगे, ज्यादा परिणामकारी होंगे और सामान्य नागरिक न बुरा करना चाहता है, न बुरा उसको पसंद है। हम उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके दिल में सच्चाई जिंदा है। इस हीरक महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।